पिहोवा धान की सरकारी खरीद शुरू न होने पर पिहोवा के किसानों में रोष व्याप्त है कि मंडी में धान की फसल की बिक्री न कर किसान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सरकार की ऐसी मंशा से किसान पिछले 10 दिन से दिन रात मंडी में बैठने के लिए विवश है। उन्होंने बताया कि धान की फसल को खेतों में पकने में 90 दिन का समय लगता है, जो कि 13 सितंबर को पूरा हो चुका है। 13 सितंबर से अब तक इस सीजन का 50-60% धान मंडियों में पहुँच चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी खरीद में लगातार देरी की जा रही है। मंडी में धान की लगातार आवक के हिसाब से खरीद 15 सितंबर को शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार अभी भी अपनी जीत के चलते खरीद को 1 अक्टूबर से शुरू करने की बात कर रही है। इस पे जो कि एक तो सरकार की पॉलिसी ये गलत है, अभी 1 तारीख से खरीद रही है, खरीद 1 तारीख 1 अक्टूबर से शुरू करनी है। जब तक तो किसानों का 35-40% धान आ चुका होगा, और अब जो 100-150 रुपए कम पीट रहे हैं रेट में, कोई 1650-1700 रुपए, और अब ऊपर से एक हड़ताल कर दी, जिससे तो मंडियों में बहुत ज़्यादा धान होगा। कल तो फिर ये ज़्यादा मंदा ले आते हैं, किसान कहाँ पर रोके इस चीज़ को। खेत में ऊपर मौसम खराब है, खेत में जीरी आई हुई है, ये तो सब कुछ सरकार में को कुछ इसके तरफ करना चाहिए ध्यान, नहीं तो किसान मर जाएगा, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। अब कहाँ रोके इतनी फसल को, कोई स्टॉक नहीं कर सकता, हड़ताल कर दिए इधर से इन्होंने, सेलर मालिकों ने और आड़ती मिली भगत से हड़ताल हो रही है। जो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं जिम्मेदार तो पहले ही मरण के कगार पर आ रहा है, ऊपर से ये दूसरा हो गया किसानों के लिए, बहुत घाटा है। कहाँ जाएगा किसान, ये एक तो देश को अन्न देता है, और ऊपर से ये लूट और छूट चल रही है मंडियों में इनकी मिली भगत से। मैं तो ये सरकार से कहूँगा इसकी तरफ से जो भी निर्णय करना है, या तो किसानों के खाते में दो, या आड़ती खाते में हड़ताल खोले, बस किसान की फसल दिख जाए। इन्होंने हड़ताल करनी थी, ये पहले भी तो कर सकते थे, ये तो बहुत दिन पहले से चला हुआ है आड़तियों ने भी, आज ही क्यों ये मुद्दा उठाया है, जब जिम्मेदार की जमीन जीरी जो मंडी में आ चुकी है, अब जाकर इन्होंने हड़ताल कर दिया है।